संख्या देखिए, ये तौहीद से अलग है और उसे आप किसी भी मानी में कह सकते हैं। इस मानी में भी कह सकते हैं कि आया तो पुरानी मोहकम भी है और बदलता भी है और मोहकम आयतों के लिए ये तय है कि इसके मानी ये है, लेकिन वो आयात जो मुतशाबिह हैं और जिनकी मानी अपनी तरफ से कहना मिला है, तो वो आयात जब तक खालिद मोहम्मद न समझाए उसकी तरफ नजर भी नहीं डाल सकता। जुमानी नहीं कर सकता, तो वो आयात जो तौहीद से मुतालिक पुरानी बेशुमार हैं, तो अल्लाह से मुतालिक जो आयते हैं उन्हीं आयात में ज़्यादा आयते वो हैं कि जो मुतशाबिह हैं। जहाँ पर आप कहने अल्लाहीन है और ये कहने के लिए मौकम है, तो ये भी मुतशाबिह है। इसलिए कि एहतियात की ज़रूरत है, जब तक आप मासूम से भी पूछेंगे अल्लाह को जब हम बारिश कहें तो उसका तर्जुमा क्या है, जब हम आपको समझ कहें तो उसका तर्जुमा क्या है, तो मासूम नहीं बताएगा कि वाहिद के मानी कभी एक न कहना। तो बात समझ में आ जाती है कि हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मासूम ने कहा मेरी बिरादर ने कि वो अकेला है, एक से याद इसलिए है कि गिनती में अल्लाह को महदूद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि एक है वो गिनती है और गिनती में एक सिलसिला है कि एक से पहले भी कुछ है और एक के बाद भी। आप अकेला कहने में ये है कि ना उससे पहले कुछ है ना उससे बाद, तो इसमें मैं अर्ज कर रहा था कल मौजूद से मुंसलिक होने के लिए। तो आप ये देखें कि तौहीद के मानी कोई कह सकता है जाहिर के गैर मासूम बिल्कुल भी कहेगा, वो कयास से कहेगा अपनी मर्जी से कहेगा, लेकिन मासूम मर्जी इलाही से उस इल्म से कहेगा जो इल्म उसको अल्लाह ने अता किया है, जो गायब नहीं बल्कि हाजिर है। हमारा इल्म गायब हाजिर नहीं, मासूम के सामने इल्म हाजिर व मौजूद है। मासूम और गैर मासूम के इल्म में यही फर्क है, वहाँ इल्म मौजूद हाजिर। तो जब मासूम मासूम से पूछ रहा हो कि तौहीद क्या है, तो इससे अंदाजा कीजिए कि तौहीद कितनी अहम चीज है। तो क्या मौला जी को नहीं पता था कि तौहीद क्या है? फिर मौला जी सवाल कर रहे हैं रसूल अल्लाह से कि तौहीद क्या है। सारा सवाल ये है मौला जी ने रसूल अल्लाह से, और उसका पहला सवाल ये कि हमको बताइए तौहीद क्या है। वो अली इसके मुद्दे तौहीद पर बेशुमार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अली ये सवाल कर रहे हैं कि तौहीद क्या है, तो न पूछने में देर लगी न जवाब देने मौला जी ने कहा तौहीद क्या है,
गाय के लिए ना क्या बिक्री होगी। सवाल किया मौला जी ने, या रसूल अल्लाह वफा क्या है? अब आप बताइए कि इमाम नबी से पूछा है वफा क्या है, तो क्या हम सबको वफा के मालूम मालूम नहीं मालूम? अगर अली ना पूछे और रसूल अल्लाह ना बताएं तो कैसे पता चले कि वफा के मालूम है? जैसे ही मौला अली ने पूछा रसूल अल्लाह वफा क्या है, आपने फरमाया तौहीद। क्या ये अरे समझ सकता है? एक बार नहीं समझ सकता। हालांकि वफा के मानी तौहीद है, वफा के कुछ और मानी नहीं है, सिर्फ एक ही मानी है वफा। वफा के मानी तौहीद। अब जिस तरह चाहे समझा मुझे तकलीफ इसी पे हो जाए कि वफा के मानी तौहीद। हज़रत अब्बास छोटे से थे, चार वर्ष, और मौला जी की गोद में थे। मौला जी ने कहा अब्बास तो हो के अब्बास ने कहा एक, मौला जी ने कहा तो फिर दो, फिर मुँह के चेहरा देखने लगे और इस मुँह से एक कह दिया दो कैसे? हम लोग ये समझते हैं कि भाई मौला हुसैन से हज़रत अब्बास बहुत वफादार थे, इसलिए उनकी वफादारी मशहूर है। ये बचपन से देखो ना, तब वफा के मानी समझ में आए। जिस मुँह से एक कह दिया उस मुँह से दो कैसे कहूँ? बोला अब्बास तौहीद से वफादार है। कहकर दो नहीं कहा, यही है वफा। ये मानी है वफा के मानी तौहीद। क्योंकि लफ्ज से भी वफा हो गई, अकीदे से भी वफा हो गई। अभी अब्बास का ये बचपन, आप कहेंगे कि ये उल्टी सीधी बातें मनसूबी हमारे समझ में नहीं आती, हमको साफ साफ रखो। अच्छे से ये साफ साफ बता दें, इसलिए कि आप आदमी हैं जो सुनने के इमाम हुसैन के वफादार थे, और मैं कह रहा हूँ अब्बास तौहीद के वफादार हैं। तौहीद से वफादार आप कह रहे हैं, नहीं हम तो बचपन से सुनते आए
फरमाई हुसैन के वफादार, दीन के वफादार। तो जरारी से तो फर्क पड़ेगा मानी कहने में, दीन हज तो हुसैन। वफा को परखा जाएगा तो जो हुसैन से वफादारी हो रही है वो तौहीद का हिस्सा है, वो तौहीद का हिस्सा है। और वो आपसे जब ये कहा गया कि अल्लाह सरकुम लगे उनसे मोहब्बत करो, तो जब तक पूरी मोहब्बत करके न दिखाए आप सीखेंगे कैसे। उबा से मोहब्बत करके अब्बास ने आपको सिखाया, उनकी मोहब्बत अपनी जगह, उनकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो दर्स भी दे रहे सिखा भी रहे हैं कि किस हद तक मोहब्बत, कितनी वफादारी, कितनी मोहब्बत और उसकी हदें के लकब ले लिया जाने वफादार, ले लिया गया वफादार। तो अब अब्बास की जो कोशिशें हैं और जो मिन्नतें हैं और जो अली चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर मौला जी ये दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार मुझे कैसा बेटा दे, बहुत शजा और बहादुर जो मेरे हुसैन का मुहाफिज हो, सुबोया अली की दुआ मांग रहे हैं और बदलाल ऐसा बेटा दे जो तेरी तौहीद का मुहाफिज हो। इनका कोई लफ्ज, इनकी कोई दुआ, इनका कोई फरमान, इनका कोई अमल तौहीद से अलग नहीं। देखिए जाती तो कोई इनका काम ही नहीं है, और जो लोग ज़ाती काम कुछ बयान कर देते हैं तो कुछ ज़ाती काम भी अल्लाह के लिए समझने का फेर है, समझने का फेर है कि भाई अगर आप ये कह दें कि भाई चौथी खिलाफत अली ने ले ली तो वो ज़ाती फेर था, वो ज़ाती फेर नहीं था कि दुनिया की चार साल की हुकूमत क्यों नहीं ली, अली का ये अमल की तौहीद का हिस्सा था। बड़ी बड़ी मिसालें नदी को पहुँच हो जाएगा, तकलीफ कुछ और हो जाएगी कि हमने चार साल की ये खिलाफत क्यों होगी। एक ही एक मिसाल से अगर मैं समझा कर चला जाऊँगा कि मैंने ये कहा कि अली ने जो खिलाफत दी है और उसे मंजूर किया है, ये अली का अमल तौहीद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और कोई बहुत बड़ी मिसाल से मैं आमतौर से बातें इसलिए भी समझा करके देर लगती है उसको समझाने में, इसलिए आसान समझा देता हूँ। जब खिलाफत लेने के बाद अली ने नमाज पढ़ाई तो अबू हुरैरा से लेकर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद तक सब ने ये कहा कि आज नमाज का मजा आया, वो नमाज खाना मालिया के साथ खाते थे नमाज दे दिया जाता। तो लोगों ने कहा कि ये क्या फिर खाना जुमान खाते हो क्या, क्यों जुमान ना पढ़ते हो। अबू हुरैरा ने कहा खाने का मजा उसके साथ है, नमाज का मजा है। तो अब इसको गौर करिए कि जब अली को खिलाफत मिली तब ये कौल आया कि नमाज का मजा यहाँ है, खाने का मजा वहाँ है। इसके माने इससे पहले खाने का ही मजा था, नमाज का मजा नहीं। जब अली ने खिलाफत ली तो नमाज का मजा आया, नमाज का मजा आया यानी वो जो खा रहे थे सिर्फ वो दोबारा तौहीद की तरफ पलटे। अब समझ में आया अली ने ये चार साल क्यों सर अपने मरकज पर शरीयत आई,
के लिए कि एक चीज आपने यहाँ से हटा दी है, मैं उसे वापस ला रहा हूँ। तुम्हें इतनी ताकत नहीं है कि 25 बरस की बिक्री हुई चीजों को दोबारा ला सको। अगर कोई आता है तो वो और दूर चली जाएगी मरकज से, तो अली मरकज की तरफ सारी शरीयत को फिर वापस ले आएगा। देखो फिर मैंने बिगड़े हुए काम बना दिए, आप ना बिगाड़ना। यही वफादारी, शरीयत से वफादारी, इनसे वफादारी। तो अली तौहीद से वफा सिखा गए। अब वफा के मानी जो हम और आप देते हैं वो ये कि किसी की बहुत सेविका अफगानी खिदमत हो रही है और आका इस्लाम से बातें की जाए कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, और वो उसका पाबंद हो जाता है कि वो जो मालिक ने कहा है, आका ने कहा है, उसी तरह अमल करना है। यही वफादारी, इसीलिए कहते हैं ये गुलाम वफादार है। और मालिक तारीफ करता है अपने गुलाम की, बहुत वफादार नौकर है। इसके माने ये कि जो उसकी मर्जी है उस पर गुलाम चल रहा है, इसके मालिक उसकी वफादारी का ऐलान करता है। तो अब जितना भी आके मैं समझा कर चल रहा हूँ कि अल्लाह से तौहीद से वफादारी ऐलान है, नहीं नहीं वफा उसी वक्त होगी कि जब कुछ वादा हुआ हो। इसलिए कुरान में आयत रखती अलश को बे रख दे, मुझे याद है जब हमने तुमसे वादा लिया था, तो वो वादा जिस चीज़ को याद रहा वही अल्लाह का वफादार था। जब हमने अलश जिसे याद रहा वो है, यही है तौहीद से वफादारी कि दुनिया में आने से पहले रूह का वजूद होगा। तो रूह से जो बातें लिए थे अल्लाह ने, वो वादे यहाँ आकर किस किस ने निभाए, कितने वादे पूरे किए, इसी का नाम तौहीद है। तो एक तरफ अब हम जब ये सारी फजीलत, इसे आप फजीलत कह लें या तौहीद की ज़रूरत है, दीन की ज़रूरत कह लें, ये सब कहना बहुत ज़रूरी है। वरना दीन समझ में आए ना तौहीद समझ में आए, अगर हम आए मोहम्मद के जरिए सिखा सकें तो बात समझ नहीं आएगी। लेकिन क्या बात है कि इतनी बड़ी बड़ी हकीकतों को लोग नज़रअंदाज करते हैं, इख्तियार करते हैं, ताकि ये ना कहा जाए वरना शिर्क हो जाएगा। तो ये शिर्क हो जाएगा, इससे डर लगता है। कौन कहेगा कि शिर्क हो जाएगा? तो कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं कि जो कहेंगी कि सारी ये सब न बयान कीजिए, शिर्क हो जाएगा। अच्छा साहब शिर्क हो जाएगा, इख्तियार करेंगे बस सारे सारे पता है आज मोहम्मद के पढ़ा कीजिए, आप अल्लाह से गुरबत जो दिखाते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये शिर्क के दायरे में आ जाए, ये शिर्क के दायरे में आ जाती है। ये क्या है भाई, ये इख्तियार क्यों है? इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम ये कहें कि अल्लाह से वफादार कैसे हैं अली वाले, तो फिर ये भी समझाना पड़ेगा कि किस तरह अल्लाह से बेवफा है दुश्मनाने अली। अच्छा जब हम दूसरा मौजू शुरू करेंगे, कौन कौन बेवफा, किस तरह अल्लाह से बेवफाई की है, तो फिर वो कहेंगे देखिए इसीलिए समझा रहे थे कि आले मोहम्मद के वो फजाए न पढ़िए जिसमें तौहीद का हिस्सा बताते शिर्क हो जाएगा। तो शिर्क कहकर इसलिए डराया कि और लोग तौहीद का हिस्सा नहीं बन सकते, इसलिए उनका दिल रखिए। तो ये सारा झगड़ा लफ्ज शिर्क और जिदत जो आता है वो कुछ लोगों का दिल रखने के लिए आने के बच्चा बस हाँ ये जरा दिल रख लीजिए, वो बेचारे बड़े जमीदा होंगे कि हाँ हम कैसे तौहीद का हिस्सा बना लें।
भाई को अली का एहसान है, वो खिलाफत बनी है, बाकी रसूल को तौहीद का हिस्सा नहीं है, इसलिए कि वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ बनी है, तो तौहीद का हिस्सा कैसे बने? तो अली का एहसान है कि 4 साल के लिए उसको कबूल करके कंटिन्यू कर दिया, ताकि वो जो आप कहते हैं कि उनका दिल रख लीजिए, तो अली ने मुसलमानों का दिल रखा। चलो भाई हम भी आ गए, लेकिन भाई ये है कि मरकज से हटाया है, वापस आना पड़ेगा, और जब वापस चीज आ गई तो बोली का हाँ वही है नमाज तो रसूल वाली। इतनी हदीसें बड़ी पड़ी हैं, किताबें सारी पढ़ते चले जाइए, ये तक कहा गया कि रसूल के जमाने में शरीयत के जितने काम होते थे उसमें से सिर्फ एक चीज बची है, वो है नमाज, और सब मस्त कर दिया है। अब चीजों को कौन गिनता है, शरीयत में हजारों चीजें हैं, सबको मिला के कह दीजिए फर्ज कहाँ गया, ज़कात कहाँ गई, जिहाद की क्या सूरत हो गई, रोजा कैसा हो गया, वुज़ू और तयम्मुम कैसा हो गया, ऐसा हो गया कि भाई किसी ने आगे पूछा कि पानी ना हो तो क्या करें, हमारे यहाँ से खड़े थे उन्होंने कहा तयम्मुम कर लो, उन्होंने कहा ये कहाँ से तुम लिया है, तो उन्होंने फौरन तयम्मुम पानी आया था हमारे यहाँ से पड़े, तो उन्होंने कहा अरे इस आय से तो हम बिल्कुल बेखबर थे, पता ही तयम्मुम की आय थी कुरान में है, ये पूरे त्यौहार दूसरे दौर में हो रही है, तो तीसरे दौर में और ऐसे ऐसे जब दौर आते जाते हैं तो तौहीद से बहुत दूरी होती जाती है, बहुत दूरी, सिर्फ अल्लाह का नाम ले लेना तौहीद पर ही नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं तो अल्लाह का नाम नहीं, सब अल्लाह का नाम, आत्मिया जब उसके हजारों नाम हैं और उनका भी हजारों नाम है, तो इसी नाम से पुकारता है, तो इसी नाम से पुकारता है, और कितने नाम है कि अगर आप गिनने रहेंगे तो करोड़ों में हो जाएंगे अल्लाह के नाम है, इसलिए तो मासूमी ने बताया है, उसने अल्लाह ने बताया है, ये भी बताया है कि अली अल्लाह का नाम है, फिर अल्लाह का नाम है, फिर अल्लाह का नाम है, फिर अल्लाह का नाम है, आज अल्लाह का ये तक समझना और हर अल्लाह का आ और बार के अल्लाह ला के अल्लाह का नाम और ला के अल्लाह सिर्फ नाम और ले के अल्लाह का नाम। तो अब ये सूरते जो है तो इस तरह कितने हम नहीं जानते, ईसाई अपने नामों से पुकारते हैं, हिंदू अपने नामों से पुकारते हैं, हिंदू अपने नामों से पुकारते हैं, तो अल्लाह अल्लाह तो सभी का, आप अगर इतना ज़्यादा तबलीग करें अल्लाह अल्लाह करो अल्लाह से मदद मांगो तो पूरी दुनिया ये कह रही है आप नई बात क्या कह रहे हैं, मुसलमानों की इंफिरादियत क्या हो, हाँ मुसलमानों की इंफिरादियत इसमें है कि वो ये कहें कि तौहीद समझने नहीं आएगी जब तक आप आले मोहम्मद की तरफ करना पड़ेगा। और अब जो कुछ जैसा कि अभी मैंने आयत पढ़ी कि हुसैन से एक्सेप्टी में जो लोग वफादारी कर रहे थे और अपनी दुनिया को जिता कर निसार कर रहे थे, हरस को मरकज तौहीद यानी मबद्दत से वफादारी, और वो उन पर वाजिब था, उन पर वाजिब था, हम वाजिब की हद तक नहीं जाते, क्योंकि कुरान की आयत है और इसको वाजिब समझने चाहिए, ये सुन्नत नहीं है कि मेरे अजब ऐसे मोहब्बत, और वाजिब के ऊपर भी औजब है, और ये जरूरी इसलिए है कि दीन समझने के लिए मोहब्बत का सच्चा इकरार। अब आप देखिए कि जहाँ वो आज ये मांगी गई हो बार बार ही लाई
कि ऐसा बेटा, यानी ये दुआ बता रही है उनकी कि ऐसा बेटा जो दीन के काम जो तौहीद के काम। तो हुसैन करबला में किस जरूरत के तहत गए? तो अब देखिए यहां पर ये छुपा दिया जाए कि हुसैन तौहीद की खातिर गए और उसके मानी बदल दिए जाए, नहीं वो तो दो शहजाद की लड़ाई थी और वो जमीन का चक्कर था और वो मुल्क का चक्कर था, तो वो आपने तौहीद को पामाल किया। आपने अपने अकीदे तौहीद पर हल चलाया और फिर आप दावेदार हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, शरीयत के पास कर रहे हैं। नहीं, सीधी सीधी सी बात है कि हुसैन का कोई जाती काम नहीं था और इनका कोई काम जाती नहीं, अपनी जात के लिए इनका कोई काम होता नहीं, ये ही अल्लाह के लिए हुए, यानी अल्लाह ने अपने लिए वो समझाने के लिए वो खल नहीं हुए, इसलिए कि अल्लाह खल नहीं हुआ। बस एक चीज है, उसका इरादा है, उसका इल्म है, उसका इल्म ये है, उसका इरादा ये है, जब से वो है, जब से इल्म है, जब से वो है, जब से इरादा है, तो लौ भी यही, कलम भी यही, रूह भी यही, आकल भी यही, नूर भी यही। ना नूर खल हुआ, ना कलम खल हुआ, ना लौ खल हुई, ना आकल खल हुई, सब था पर था जो था और ईमान खल नहीं हुआ, ईमान खल नहीं हुआ, ईमान था। जब ईमान था उसी वक्त से ये ईमान थे। वफा खल नहीं हुई, वफा थी जब से वफा थी, जब से अब्बास है। लेकिन ना कहीं सब अल्लाह का इल्म है, जाहिर है कि वो खुद नहीं बोलता, जाहिर है कि वो खुद नहीं कहते। यही ये आयात मुतशाबे, अल्लाह का कान, अल्लाह की आंख, अल्लाह का हाथ, इनको कहते मुतशाबे कहो नहीं, ये भी कहो कि अल्लाह के कान। तो यहाँ पर बेचारगी है, घबरा के कहता है बस रहने दो, मानी ना और ठीक है बाहर, हमें घबराहट नहीं है। इसलिए उसने अगर कान नहीं रखता तो सुनने का कोई ना कोई तरीका कहती, अगर वो दहन नहीं रखता तो उसने बोलने का कोई तरीका अपने इल्म पे साथ रखा होगा। हम उसी नूर को आज मोहम्मद जा सकता हूँ। और बहुत अगर परेशानी हो जाए तो आप को देख लीजिए कि करोड़ों फरिश्ते हैं और सामने की बात है, वो कहता है कोई फरिश्ता पानी बरसा रहा है, कोई फरिश्ता खेती उगा रहा है, कोई रिस बांट रहा है, कोई फरिश्ता जो है वो भूमि पर कर रहा है, तो अल्लाह को क्या करें? तो फरिश्ते पर है उसका अपना क्या करें? तो कुरान में हदीसों में रिश्तों पे यकीन रखना अकीदे में दाखिल है, तमाम मुसलमानों के लिए जब कोई इनकार कर दे रिश्तों का तो काफिर, जब कुफ्र आ जाएगा तो फिर इतना यकीन तो रखिएगा कम से कम ये तो सबको यकीन है कि हमारे गुरुओं हैं और वो वक्त में आते हैं। पता चला कि अल्लाह रिश्तों से काम लेता है, आज मोहम्मद फरिश्तों से अफजल है। जब अफजल हैं तो जो इतनी ताकतें फरिश्तों के पास हैं
तो आले मोहम्मद जी इलाही ताकतों का इंकार हो। समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर मसला ये है कि इमाम हुसैन का इकदाम जो है वो एक वादा है और वादा वफा करना है। तो इसीलिए मीर अनीस ने कहा था इमाम हुसैन के यही कहा था कि वादा आसान है वादे की वफा होती है। वादा आसान है वादे की वफा होती है। जिनके रुकते हैं सिवा सिवा सहरे इश्क बशर इश्क खुदा। तो बशर से तो सभी मोहब्बत कर लेते हैं। मोहब्बत तो बहुत आसान है, अल्लाह से मोहब्बत आसान नहीं। अगर हुसैन मोहब्बत की इंतहा ना बताते तो पता भी नहीं चलता कि अल्लाह से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत को दुनिया के लिए खरीद मोहब्बत यहाँ उतारी। तो मोहब्बत इतने हिस्सों में बटी हुई है कि अगर आप उसे गिनने बैठे तो हजारों की तादाद में निकली। सबकी अपने अपने रंग की मोहब्बतें होती हैं। किसी की मोहब्बत दूसरे की मोहब्बत से मिलती जुलती नहीं होती। तो कोई इसकी इंतहा तक मोहब्बत करता है, कुछ कम करता है, कुछ छुपाता है, कुछ बीमार होता है। गाय सब तो शीरी फरार नहीं बन गए। ये वाली मोहब्बत कभी ना कभी तो दिल में तड़की होगी, चाहे इजहार ना हुआ हो। और इसलिए इजहार नहीं हुआ होगा कि ना कोई शीरी बनना चाहता होगा ना कोई फरार। एक बदनामी का डर है, ये मोहब्बत बदनामी वाली ने भी कह दिया कि ये मोहब्बत जो है वो बदनामी वाली है, इससे बचना चाहिए। यही तो रेखा पीछे लगी रही यूसुफ बांटते रहे। तो इसी तरह के नाम आता यूसुफ और रेखा। एक तरफा मोहब्बत थी, यूसुफ एहतियात कर रहे थे। तो जाहिर है कि यूसुफ ये जानते थे कि मुझे तौहीद से वफादार रहना। जिस दिन रेखा की मोहब्बत दिल में आ गई तौहीद खत्म हो जाए। तो यहाँ इतनी ढेर सारी मोहब्बतें हों, जमीन की मोहब्बत हो, जायदाद की मोहब्बत हो, मकान की मोहब्बत हो, वतन की मोहब्बत हो, मुल्क की मोहब्बत हो, शहर की मोहब्बत हो, और फिर उसमें औलाद की मोहब्बत हो, माँ बाप की मोहब्बत हो, भाई भाई की मोहब्बत हो, भाई बहन की मोहब्बत हो, पांडे भतीजों से मोहब्बत हो, भाइयों की औलाद से मोहब्बत हो, बहनों की औलाद से मोहब्बत हो, बेटी से मोहब्बत हो, बेटे से मोहब्बत हो। कितनी ढेर सारी मोहब्बतें फेरिश को बनाइए। तो ये सारी मोहब्बतें हुसैन के पास, सारी मोहब्बतें हुसैन के पास। शाह जी हुसैन के पास शाह साहब आपकी मेहरबानी महसूस नहीं कीजिएगा, यहीं पे ये बता दीजिएगा ये जहूर होता है या इनका ये विलादत बोलते हैं ये चीज़। अच्छा बड़ी मेहरबानी। वहाँ से तो उस मंदिर से तो हम निकल गए ना मुबारकबादी के, फिर आप वापस ला लें। चलिए देखते हैं कि तो हम बहुत आगे निकल गए। जहूर तो ऐसा हो चुका कि सारी दुनिया ने मुँह चमका। करेगी कि ये लाउड स्पीकर जो शागर देता है इसको जरा दोबारा सही करो और ये अगर आप हमसे रुजू कर लेते इसको लगवाने से पहले तो हम 2.5 लाख रुपए में ऐसा उनका लगवा देते हांगकॉन्ग से मंगवा के आप तक। इसलिए कई सेठ हमने कई मंगवाओं में लगवा देखिए लाहौर में भी, लेकिन बस ये है कि कहते जी लोग हमको शांति नहीं करते अपनी मोहब्बत। पता नहीं जो घबराहट सी होगी मेरे नंबर मैंने तोहफे में दिया तो सब कहते उसको देख लो।
हुकुम राजू साहब का नहीं, राहुल साहब ने दिया यही है। और देखिए कि चूँकि तोहफा मोहब्बत है, इसकी परवाह भी नहीं हुई, टूट रहा है और पड़ रहा है, बराबर की तरफ भी तो तोहफा है। तो लाउड स्पीकर की इनको भी मैं बहुत ज़बरदस्त लगवा दूँ, और इनकी कुछ किसान थोड़ी है, ठीक है, एक तकलीफ है मुझे हो गई, मैं तकलीफ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत आदि हूँ, बहुत आला क्वालिटी के इनको पर बोलने का, इसलिए मैं ज़्यादा चीखता भी तक नहीं हूँ, उसकी वजह से आवाज़ मददगार जब तक ना हो कह रहा था मैं कि जब हमारे पास इतनी मोहब्बतें कि जिसकी पेली सगल बने तो वो डाकू में हो जाए, तो जाहिर है कि इतनी मोहब्बतें विमान हुसैन के पास भी। तो अगर शुरू से जब आप ये कहते हैं कि ये 28 रजब को सफ़र शुरू करके आप 6 महीने इंतज़ार करते हैं मोहर्रम का, तो इसके क्या मानने, इसके मानने की तौहीन, यानी 28 रजब इसलिए याद रखो कि हुसैन के पास भी वतन की मोहब्बत औला थी, तौहीद पे मोहब्बत को कुर्बान किया। अब समझिए कि हुसैन का सफ़र तौहीद के लिए, तो हमारी मोहब्बतें जो हैं वो हमारे पास रहती हैं, हम उसको तौहीद पर कुर्बान नहीं कर पाते, और ये बड़ा मुश्किल काम है। देखिए इसीलिए हिजरत रखी है, हिजरत इसलिए रखी कि तुम जब वतन छोड़ोगे तो फिर ये अल्लाह के लिए सफ़र होगा, तो तुमने वतन की मोहब्बत को तर्क किया तौहीद के लिए। लेकिन कितने लोग हिजरत करते हैं और फिर हिजरत करके कितने बरसों रोते हैं, मैं महाजिर हूँ, मैं रुक गया, मैं तबाह हो गया, मैं कहाँ गया, दुनिया में जहाँ जहाँ हिजरते हैं सब अब तक रो रहे हैं, अब तक रो रहे हैं, यहाँ 80 जगह बस रहे हैं, लेकिन जरा हुसैन से मदीने से कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत है, यानी अगर सिर्फ मैं पढ़ना शुरू करूं कि हुसैन को मदीने से कितनी मोहब्बत, तो आप ये ना कहिएगा कि क्या इमाम को भी ज़मीन से मोहब्बत हो जाती है, नहीं, ज़मीन से थोड़ी है भाई, वहाँ नाना का रोजा है, माँ का कच्चा घर है, जिसका दरवाज़ा वही का दरवाज़ा है तो माँ से मंसूब है, तो जाहिर है कि वो मोहब्बतें जो हैं वहाँ पर भाई की कब्र है, इमाम हसन की कब्र है, दादा का बड़ा है, तो कितनी मोहब्बत होगी इमाम हसन, और फिर जब ये एहसास है कि इस कब्र का चराग मैं हूँ, मैं चला जाऊँगा तो कब्र अंधेरी हो जाएगी, लेकिन जब तक रसूलुल्लाह ने कह नहीं दिया कि हुसैन तुम जाओ, जब तक हुसैन मदीने से निकले नहीं। अच्छा देखिए, शायद हुसैन ये कहते कि नाना आप कह तो रहे हैं मैं मदीना छोड़ के चला जाऊँ, तो फिर मैं तो आपकी कब्र का चराग हूँ, कब्र अंधेरी हो जाएगी, तो हुसैन को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने कहा हुसैन मैं भी चलता हूँ, हुसैन भी तैयार हो, माँ ने कहा हम भी साथ, भाई ने कहा हम भी साथ, जब कब्र पे गए तो कहा हम सब साथ, इसलिए कि करबला पंजतन के नूर का जहूर है, और पांचों नूर हदीसे किसा के बाद करबला में जमा हुआ। आप कहेंगे हमने तो नहीं देखा, अरे भाई अब हदीसे किसा में जमा हुए थे, किसने देखा था सिवा उम्मे सलमान, तौहीद का कारमा लिख लिया। इसलिए आप जो ये वाक्य सुनते हैं कि इमाम हुसैन को
के अब्बास से कितनी मोहब्बत है, ये बातें क्यों सुनाई जाती हैं? एक तरफा तो मैं बता दूंगा कि अब्बास को मोहब्बत है, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि हुसैन को अब्बास से कितनी मोहब्बत है, छोटे भाई से। हुसैन को अली अकबर से कितनी मोहब्बत है, क्यों इतने बहुत से वाक्यात मौलवी में जमा किए नजर आए, सबूत में वाक्यात आए, क्यों इमाम हुसैन को जनाब सकीना से इतनी मोहब्बत है कि अशार तक कह रहे हैं मोहब्बत की जनाब सकीना से, कि हमें वो घर ही नहीं अच्छा लगता जिस घर में रवाब और सकीना मोहब्बत की इंतहा है। क्यों हुसैन को इतनी मोहब्बत है जनाब जैनब से और तमाम दीगर बहनों से, क्यों मोहब्बत है इमाम हुसैन को अपने दोस्तों से, हबीब से इतनी मोहब्बत है, इन जुबेर से दोस्त में सबके होती है, सबके होती सबके होती सबके होती, क्यों जनाब सोरा से इतनी मोहब्बत है इमाम हुसैन, क्यों जनाब सकीना से इतनी मोहब्बत है। ये मोहब्बत की इंतहा आल मोहब्बत ने लिखवाई ताकि तुम्हारी समझ में आए कि इन मोहब्बतों की हदें क्या होती हैं। माना माँ बाप भाई की मोहब्बत, नाना की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, शहर की मोहब्बत, नदी की मोहब्बत, कब्र की मोहब्बत, भाइयों की मोहब्बत, बहनों की मोहब्बत, बेटों की मोहब्बत, बेटियों की मोहब्बत और उसकी इंतहा बताई। और इंतहा अगर मैं बताता चला जो दायरे वो मसायब का जिक्र आता चला जाएगा, फजाइल लदीना मुझे फजाइल पढ़ने हैं कि जनाब सकीना से कहा है मामे उसे कि देखो हमने तो दुआ की थी कि हमको एक बेटी ऐसी अदा कर कि जिससे मैं इतनी मोहब्बत करूँ, इतनी मोहब्बत करूँ कि इंतहा ना हो। देखिए मांगा गया है बेटी को अल्लाह से मोहब्बत के लिए, लेकिन आगे फरमाया कि सकीना के मैंने अपनी दुआ में ये कहा था कि इतना मैं तुम्हें चाहूँ, लेकिन जब तुझसे वादे की वफा का वक्त आए तो मैं सकीना की मोहब्बत को तौहीद पर कुर्बान करूंगा। इसकी इंतहा है मोहब्बत। तो इसी तरह यानी कि एक हद है कि जिसका बयान करते करते दाखिल थकते नहीं हैं और चाहते जाते से ज़्यादा बयान हो गया दिए पर कितनी मोहब्बत है, यानी जिंदगी में और शहादत के बाद की मोहब्बत और आज तक की मोहब्बत बयान होती है, अब के ज़माने की भी बयान होती है मोहब्बत। कि ख्वाब में आके जो बताया कि यहाँ तक उलमा ने लिखा कि भाई अगर दुआ ना कबूल हो रही हो तो कब्र हुसैन पर सिर्फ अली अकबर का वास्ता दे के दुआ मांगो, तो ये तौहीद की कितनी बड़ी दलील है। दुआ तो तौहीद के लिए है ना, और वसीले में आ रहे हैं अली अकबर और हुसैन की मोहब्बत है ना। मैं आसान करके तकलीफ कर रहा हूँ। तो अब ये सारे मनाजिर जो महफूज किए गए हैं, तारीख ने कितने बहुत से वाक़ात ऐसे थे जो नज़रअंदाज कर दिए, यानी तो तारीख ने अहमियत नहीं दी, मौलवी कहाँ सो गया था, कहाँ मर गया था, कहाँ चला गया था मक्के से, कहाँ रहता था, क्या बाद में पैदा हुआ नहीं था मौलवी का, अगर वो मौलवी कम वक्त कुछ काम कर जाता जितने पैदा हुए थे सबकी विलादत की तारीख है लिख जाता तो आज हमसे लोग क्यों जल रहे होते, काश हमारे वालों में कोसा जाए मौलिक होगा, अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा, तो उसने समझा कि इनकी भी विलादत लिखी जाए, मंजर को उसने महफूज कर, मंजर महफूज है। आप किताबें पढ़ लीजिए उठा के बगैर किसी फिरके की तफरीक के कि भाई रसूलल्लाह की आमद आमद, यहाँ पे आमना के घर में खुशियाँ, अपने की खुशियाँ, हर चीज़ लिखी हुई है। मक्के में नूर कैसा था, रसूलल्लाह के ज़हूर हुआ नूर का, अपनी कायनात का क्या आलम था, ज़मीनों पे क्या असरात हुए, इसरा में क्या हुआ, दरिया सावा का क्या शुरू हुआ, चीन में क्या हुआ, रूम
में क्या हुआ, यानी ऐसी यादगार बना ली कि हर मुल्क में कोई यादगार रह गई उस आमद की। आज तक हम कह रहे हैं कि सरकार की आमद बराबर, भाई जी ये कह रहे हैं कि क्या कहना कि भाई एक यादगार बन गई। इसी तरह आप देख लीजिए कि मक्के में आमद को इतना यादगार बनाया, अगर इसी तरह की यादगार बना देता अली की तो बराबरी के दर्जे पर लोग कहते कि नहीं भाई वो तो आमद बहुत बड़ी थी, क्या अली की आमद, और वो तो सरकार के तो अली तो एक बच्ची अब तालीम के घर आ रहे। तो अल्लाह ने कहा नहीं ऐसी यादगार बनाओ जो किसी किया। तो ये इतना ज्यादा दिखा के कुदरत काम कर रही है, छुपा के ये मौलिक मजबूर है कि वो लिखे। तो यहाँ पर ये है कि सिर्फ आमद अब्बास जो है वो यहाँ से बात नहीं शुरू हो रही, बल्कि अल्लाह ने शजरे से बात शुरू की। मेरे मित्रों की कीमत को आप थोड़ा सा समझिए कीजिए, अगर पहले से तो बहुत अच्छा है, लेकिन हसन और हुसैन की बात शजरे से नहीं शुरू हुई, आमद से शुरू हुई, अब्बास की बात शजरे से शुरू हुई। इसलिए इनका शजरा तो ऑलरेडी मौजूद है, जो अल्लाह का शजरा है ये है कि अब्बास की मां को एक ऐसे घर से आना है कि जो नबूवत का घराना नहीं होगा और इमामत का घराना भी नहीं होगा और बनी हाशिम का घराना भी नहीं होगा, यानी बड़े सरदारों का जो करीबी लोग हैं आमद नहीं है। तो ऐसा ना हो कि एक ऐसा बेटा मांग रहे हैं जो तौहीद का वफादार है और हुसैन का वफादार है और दीन का वफादार है और शजा है, जिसका नाम कयामत तक चमकता रहेगा, जिसका परचम कयामत तक लहराएगा, कि वो बच्चा जब हसन और हुसैन के ननियाल का शजरा देखे तो शर्माए। उस बच्चे की फिक्र को बुलंद करने के लिए अली ने ये कहा अपील से कि बहादुर कबीले की बेटी, ये तो अली को खुद था अकील से कहने की क्या जरूरत, नहीं समझे आप। यहाँ सब तौहीद को समझाने के लिए बयान होता है, अकील से इसलिए कहा ताकि रवायत बने मुहर्रिक लिखे ना, ये इनमें तो सभी कुछ है। और अब्बास जाए और फिर बड़ा भाई है वो रिश्ता दे और फिर वो बताए जो माहिर अंसाब हो, तो माहिर अंसाब ऐसा हो कि इंतखाब उसका लोग अशश करें। कबीले तो बहुत थे और शुरफा के कबीले थे, हादिर कबीले भी थे, कबीलों की बेटियाँ भी थीं, लेकिन ये इंतखाब अकील ने बनी खिलाफ का क्यों किया, खिलाफ का इंतखाब किस बड़े कबीले का, इसलिए कि अकील ने सिर्फ ये नहीं देखा कि बहादुरों का कबीला है बल्कि कुछ और भी देखा। अकील ने पहले वफा देखी, दो मिसालें छोटी छोटी सुना के गुजर जाऊं, शजाअत की मिसाल भी सुना दूं और वफा की मिसाल भी सुना दूं। जब जंगे हुनैन हुई तो ये आखिरी लड़ाई, हुनैन जो है इस्लाम में आखिरी जिहाद है, इसके बाद से कोई जिहाद नहीं हुई रसूल की जिंदगी। तो ये लड़ाई इसलिए अहम बन गई कि जिसे कुरान में अल्लाह ने सूरह तौबा में मैंने सूरह में पूरी लड़ाई को बयान भी किया और ये भी बताया कि इस लड़ाई में सब ऐसे भागे थे कि गिनती से भागे, यानी गिनती के लिए भी नहीं रह गए, दो तीन चार नहीं। तो जब तेज भाग रहे थे तो
क्योंकि वे भागरे के रसूल अल्लाह के चचा भाई ने अब्दुल मुत्तलिब पुकार रहे थे असहाब शजरा वहाँ भागे जा रहे हो अभी तो वादा किया है तुमने कसमें खाएंगे तो गोया वफा आजमाई गई थी जंगे उदैन में तो क्या ये मैदान जंग से भागना ऐन तौहीद है इसी को तो मैं बार बार तौहीद कह रहा हूँ एक के लिए कहा जा रहा है कर्रार गैर फर्रार वो जम गया तो जम गया तो ये तौहीद से वफा है भागने वाला भाग गया तो ये वफादारी तौहीद से कबूल तौहीद दे रहे कौन सी तौहीद दे रहे किस तौहीद की बात कर रहे तो एक दमी है जिसपे चलती फिरती मैयत ने अमल कर रही इसलिए के मामले जमाना ने कहा जैसे ही हुसैन घोड़े से गिरे और हुसैन को गिराया गया तो ज़ारत नादिया ने ये टुकड़ा है कि इमाम फरमाते हैं कि जैसे ही हुसैन घोड़े से गिरे शरीयत मुअत्तल हो गई अब मुअत्तल के मानी आपको पता होगा कि ताजील दुकानें बंद हो गई ऑफिस बंद हो गया शरीयत भी बंद हो गई इमामे जमाना ने कहा क्या क्या तो इमामे जमाना क्या है मासूम का जुमला है ज़ियारत में हम सब पढ़ते हैं तो बात क्या है इमाम ही समझाना चाह रहे हैं हुसैनी तो शरीयत थे हुसैनी तो शरीयत थे तुमने उनको गिरा के खुद मुअत्तल किया तो अब मुअत्तल पर अमल होगा अपने हाथ से इस चीज को मुअत्तल कर चुके उस मुअत्तल शुदा पर अमल होगा यानी राय शुदा नहीं है राय मासूम करता है गैर राय शुदा पर आप अमल किए चले जा रहे हैं आप कहेंगे राय कब होगी तो इसीलिए तो बारहवीं मांग करते रहिए अब इसमें ये फैसला करना मुश्किल है कि बख्शिश होगी कि नहीं होगी इसलिए ये तलाश करना भी तो जरूरी है ना कि मुअत्तल शुदा करने वालों के शजरे में कौन कौन है उनकी पहचान तो भाई मौला अली है वहाँ पर आप अगर पहचान करते तो मीसान तो वो है पहचान कर लीजिए तो जाहिर है कि हुनैन में सब भाग गए और रसूलल्लाह को छोड़ गए और इसमें रसूलल्लाह को खुद तलवार चलाना पड़ी और इसमें रजत पड़ गए आपने मुकाबला किया और मैदान में आना पड़ा एक तरफ मौला अली जंग कर रहे थे और एक तरफ रसूल खुदा जंग कर रहे थे और एक आदमी रसूलल्लाह के हाथ से हुनैन में ही लगभग पूरी उम्र में एक को मारा और रजिस पढ़ के आपने हमला किया और ये नहीं कहा कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ बल्कि कहा अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ मेरे मुकाबिल नहीं मार सकते मैंने दादा से शजरे को पहचनवा रहे हैं और मैदान जंग में रजिस पढ़ रहे हैं रसूल खुदा को तो हुनैन की लड़ाई कुरान में मौजूद है सबके भागने का जिक्र भी है रजिस करके जाने का जिक्र भी है और लड़ाई भी फटा मौला अली ने इस लड़ाई को तन्हा फतह कर लिया तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो बड़ी लड़ाई इसलिए बन गई कि तमाम अरब के जितने कबीले थे उन्होंने आपस में मीटिंग की और कहा सब मिल कर मोहम्मद पे हम और सारे मुसलमान मार डालो तो सारे कबीले एक हो दोस्ती हो गई और तमाम कबाइल जो थे उन्होंने ये कहा कि भाई हर बात को जड़ से उखाड़ तो ये क्या कि औरतें बच्चे जानवर गाय बैल बकरी मुर्गियाँ सब ऊँटों पे लाद लाद के पूरे पूरे घर खाली कर दिए कि बस अब तो मैदान जंग है और जान से वो ये तय करके आए थे कि बस अब इस्लाम का खात्मा है हम सब खेल उसमें ये होता था कि जब लड़ने के लिए कबाइल जाते थे तो जिसकी उम्र 100 साल की होती थी वो क़ियाफ़ा शिनास वही करता था ताहिर होता था पहले उसको बुलाया और बुला के उससे पूछ लेते थे भाई हम लोग लड़ाई पे जा रहे हैं तुम बताओ हम जीतेंगे कि हार ये अभी होता है जितने भी मुल्क के प्रेसिडेंट होते हैं वजीर आजम उनके आगे पीछे कोई ना कोई अंदरूनी साथ रहता है जो बताता रहता है आगे पीछे अब आपको नहीं मालूम तो क्या करें मालूम नहीं इसलिए जितने यहाँ के प्रेसिडेंट और वजीर आजम के जुनूबी हूँ सब हमें शामिल आपको ये मालूम है तो जनाब अली कहने का मतलब ये है कि एक बूढ़े को बुलाया गया वो नाम
और वही पेशी वही करता था। उसे पूछा गया कि हम सब लड़ने जा रहे हैं मोहम्मद के मुकाबले में, ये बताओ कि फतह होगी कि शिकस्त। उसने फौरन कहा कि ये तो बात की बात है, ये बात की बात मैं बताऊं, ये पहले बताओ कि तमाम कबाइल में कबीले बनी किला तुम्हारे साथ है कि नहीं है। तो लोगों ने कहा नहीं, कबीले बनी किला तो हमसे अलग हो गया और वो हमारे साथ शरीक नहीं हुआ। तो साहब वाय हो तुम पर, तुम जंग हार गए, जंग हार गए। तो उसकी पेशी गोई सही हुई, जंग हार गए। तो यहाँ ही पता चला कि कबीले बनी किला अगर शरीक हो जाता शायद वो लोग रसूल के मुकाबले जीत जाते इस बूढ़े के कहने के मुताबिक। लेकिन उनका अलग होना ये बता रहा है कि जैसे उनके यहाँ कोई हस्ती ऐसी मौजूद है जिसको ये इल्हाम हो रहा है कि एक दिन हमारी बेटी को ब्याह कर मोहम्मद के घर जाना। अच्छा, तो वो हजरत अब्बास के बरना उनका नाम आमिर है और उन्हीं की शजाअत की धार बैठी हुई, और उनकी शजाअत की धार का ये अलग था कि अरब तो अरब है, बाहर घूम और शाम तक जो है उनकी शजाअत का शोरन था। तो जब कोई अरब जाता था और बादशाह से मिलता था जाकर, शायद उनसे या किसी और ईरान के बादशाह से किसी से मुलाकात करने अरब का कोई आदमी जाता था, तो बादशाह पहले पूछवाता था, कहता था इस आने वाले अरब से पूछो, इसकी रिश्तेदारी आमिर से पूछे। तो अगर वो कह देता था कि नहीं आमिर से रिश्तेदारी थी, तो कहता था नहीं, हम मुलाकात नहीं। वजन स्टेटस था आमिर का। और अगर वो कह देता था नहीं आमिर के कबीले की है दोस्ती है या रिश्तेदारी, तो बढ़िया होगा करता था। अच्छा, तुम आमिर के पास से आए हो, आमिर के हालात सुनाओ। तो उस जमाने के बहादुरों ने तलवार पे आमिर का नाम लिखा। बादशाह अपनी तलवारों पे आमिर का नाम लिखवाते थे, इतने बहादुर हजरत अब्बास के पहनाना के। अब समझ में आया अली ने अकीर से क्यों कहा बहादुर का, बहादुर कबीले की बेटी। तो ये आमिर जो थे बाद में आए रसूलुल्लाह के पास, और मुलाकात के लिए तो रसूलुल्लाह ने कहा भाई अब तुम बूढ़े हो गए हो, कलमा बड़े कबीले के सरदार हो आमिर, अब तो मुसलमान हो जाओ। रसूलुल्लाह ने कहा, तो आमिर ने कहा मैं कलमा पढ़ लूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है। रसूलुल्लाह ने कहा क्या शर्त है? तो आमिर ने कहा शर्त ये है कि आप तो अभी मुझे लिख कर दें कि आपकी वफात के बाद मैं आपका खलीफा बनूँगा, मैं आपका नायब बनूँगा। तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए, कहा आमिर ये इख्तियार अगर मेरे पास होता तो मैं लिख भी देता, लेकिन ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। हमारे यहाँ दीन में कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं होती। आमिर अब ये कलमा पढ़ लो, हाँ हम तुम्हें खुशखबरी सुना सकते हैं कि तुम्हारे खानदान में बेटी पैदा होगी जिससे एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो हमारा होगा। ही आमिर ने फौरन का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जो के जनाबे उम्मुल बनीन के वालिदे गिरामी हैं जनाबे गिदाम, उनके लिए मशहूर है कि उन्होंने रात को ख्वाब देखा है। ख्वाब में देखते हैं कि घोड़े पे सवार जा रहे, चलते चलते आगे बढ़े तो एक आसमान से बूंद आके उनके हथेली पे गिरी, तो उसे देखने लगे तो वो बूंदी में बदल गई, उन्होंने जल्दी से हथेली बंद कर ली। इतनी देर में सामने से घोड़े सवार नूरानी चेहरा आया और उसने कहा निदान वो हमारी अमानत तो बोले हो। तो उन्होंने कहा ये तो मोती है, ये आपकी अमानत है, कहाँ ये तुम्हारी बेटी है और ये हमारी अमानत है, हम रसूल इस्लाम हैं। तो यानी ये सारी खबरें जो पहले से दी जा रही थी ये किस्से नहीं है, ये तौहीद के हिस्से हैं। अब आप देखिए कि क्या कुदरत का निज़ाम है कि इकलौती बेटी है और
नाम फातिमा रखा गया। सुभान अल्लाह, ये बरकत की बात है। तो इस सूरत में रिश्ता देना और फिर ब्याह कर मुंतकिम का आना, और आने के बाद सबसे पहले इस बात के लिए मना किया, अपने माँ बाप के घर में भी ये बात मना की और यहाँ आके भी मना की कि अब मुझे फातिमा ना कहें, इसलिए कि मैं उस घर में आ गई हूँ कि मैं फातिमा की लौंडी हूँ, फातिमा की बनी हूँ, क्योंकि कभी अपने आप को फातिमा कहला दिया वलीदिया नहीं कहेंगे, वरना पूरा नाम ये है कि फातिमा कहला दिया वलीदिया, जो शाखे हैं कबीले की वो सारे नाम उनके नाम में जुड़े हुए हैं। तो फिर खिताब ही ऐसा मिल गया उम्मुल बनी, लेकिन आप देखेंगे इससे बड़ी क्या कुर्बानी होगी कि नाम की कुर्बानी उस पर देगी या ब्याह कराएं, कहरे कि है तो पता लगे लेकिन दिल नहीं मान लगे, मैं जिंदा न कहूँ कि ब्याह कराएं तो क्या फातिमा न कहो, और एक दिन हुआ है उम्मुल बनी। इससे ज़्यादा तौहीद के लिए और क्या काम कि जो अपने नाम को भी उसके नाम के लिए कुर्बान, इसी को हम तौहीद कहते हैं, इसको आप कहें मुजज़ात कहिए, तारीखी वाक़ियात कहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ने शजरे से बात शुरू की और आमद नूर पर हम ये देखते हैं, और देखिए अगर मैं नूर कहूँ अब्बास को तो इसमें घबराहट ना हो, इसलिए कि एक ही आयत में दोनों चीज़ें एक जगह रखी गई हैं, वह शम से बजवा बज हमारे अगर इशारतन कहीं हदीस से या रवायत से आपको मानी मिलेंगी तो मजबूरी ये है कि अमर का लफ्ज जितना वाज़े अब्बास के लिए इस्तेमाल हो, तो सूरज की भी आमद है और चांद की भी आमद है, और कितनी कंटिन्यू बिला फसल है, सूरज आया फिर चांद आया, शम्स आया फिर कमर आया, भले देखिए जमानों का फासला हो जाए, बरसों का फासला हो जाए, लेकिन तारीख जो है वो बिला फसल है, तीन तो हुसैन आए चार को पास, अब तो बिला फसल है ना तारीख, कम से कम जश्न तो बिला फसल हो रहा है, अगर हुसैन का जश्न अब्बास का जश्न यादगार बनाया गया कि उम्मुल बनीन ख्वाब बयान कर रही मौला अली से कि रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरी गोद में चांद उतरा, चांद उतरा और फिर तीन सितारे उतरे, तो गोया जिसकी गोद भराई चांद और सितारों से हो, तो रस्म बनने को भराए ये गोलियां अल्लाह ने इनकी भरी है, हम तो अपनी गोलियां खुद भरते हैं, अल्लाह भरता है इनकी गोलियां, तो अली ने कहा भाई ये गोल भराई तुम्हारी जो हुई है अल्लाह तुम्हें चार बेटे दे, एक चांद की तरह होगा तीन सितारों की तरह, तो गोया मैं तो ये कहूँ कि सितारे भी चांद की मानंदी होंगे, तो गोया उम्मुल बनीन उस बीबी का नाम है जिसने अली के घर में चार चांद लगा दिए, तो ये चार चांद की तौहीद के लिए, ये चार चांद तौहीद के लिए। देखिए अगर इसमें जाती मसाइल आ जाते हैं तो छोटी सी मिसाल ले लूं कि अब्बास के भाइयों की सवाने हयात नहीं होती, वजूद तो उनका भी था अपने पूरी जवानी और हुस्न और खूबसूरती के साथ, अपने इल्म के साथ, अपने किरदार के साथ, अपनी वफा के साथ, लेकिन उन्होंने अपनी हयात को अब्बास की हयात में मर्ज करके तौहीद का काम किया। नाम ही तो पुकारे जाते हैं, ये इमरान हैं, ये जाफर हैं, अल्लाह हैं, नाम है, नाम इसलिए ताकि सिंपल याद रहे खिदमात क्या क्या है, शादियाँ इनकी भी हुई थी, छोटे बच्चे
इनकी अजवाज भी कैदी बनी है, इनके उन्होंने भी मुसीबत उठाई है, लेकिन क्या कहना कि हजरत अब्बास ने बुला के कहा भाई तुम हमारे सामने जाओ और जितनी मुसीबतें तुम्हारी हैं सब हम अपने ऊपर ले लें। तो अब्बास अपने भाइयों का और उनकी औलाद का सिंबल बने, ये यानी उस वफा में इतनी मोहब्बतें सिमटी हैं तो अब्बास की एक वफा बनी। तो उसमें पहली वफा जो है हम उसको वफा को शुरू करते हैं अब्बास से, लेकिन वफा को शुरू होना चाहिए उम्मुल बनीन से, इसलिए कि माँ ने बचपन में कान में ये बात डाल दी थी कि भाई किसी घर के आदमी ने नहीं अब्बास से ही कहा था कि हुसैन को भाई न कहना और आगे कहना, ये माँ ने सिखाया था, ये माँ ने सबक याद कराया था अब्बास कभी बराबरी न करना, भाई न कहना, वो आका है और तुम बुला। तो अब माँ का कहना तो वाजिब है ना अब्बास को मानना, इसलिए हमेशा अपने आप को गुलाम का ये गुलामी और ये आकाइयत जो है वो वफा का सिंबल कहलाती है। और ये सब है तौहीद के लिए, ये सब तौहीद के लिए। और हम ये देखते हैं कि गोद में सबसे पहले जिस तरह रसूलल्लाह की गोद में अली सबसे पहले आ रहे, पहली गोद जो मिली है मौला अली को वो रिसालत की गोद है, इसी तरह अब्बास को जो पहली गोद मिली वो इमामत की गोद, हुसैन की गोद, आँख खोल कर जो पहली ज़ियारत की तो हुसैन की ज़ियारत की। तो मैं क्यों ना कहूँ कि हुसैन के कितने ज़ायर हैं, आज हम फख्र करते हैं हम हुसैन के ज़ायर हो गए ज़ियारत कराए, लेकिन ये बताइए कि हुसैन की सबसे पहले ज़ियारत किसने की और पहला ज़ायर कौन। तो हुसैन का पहला ज़ायर जो है वो अल्लाह है, हुसैन का दूसरा ज़ायर मोहम्मद है, हुसैन का तीसरा ज़ायर अली है, फिर ज़ायरा फातिमा ज़हरा है, फिर हसन ज़ायर है, इस तरह ज़ायर बढ़ते चले गए। उन ज़ायरीन में अब्बास भी, अब्बास की वफा इसलिए कि हो सकता है कि रसूलल्लाह ने हुसैन की ज़ियारत से पहले और भी ज़ियारतें की, लेकिन अब्बास ने जो पहली ज़ियारत अपनी ज़िंदगी में की वो हुसैन की ही की जुमले लेकिन सब इसलिए निकले चले जा रहे हैं कि टाइम पूरा हो गया। जा रही है इस्लामी मंजिल पर। और आखिर में अर्ज कर लें कि नाम भी इमाम हुसैन के ही, आम तौर से मशहूर ये कि ये नाम रसूलल्लाह के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, नाम वही है अब्बास, लेकिन ये नाम कुरान से है और ये लफ्ज आया है सूरह दहर में, अबूसन कम तहीरा, और अबूस यानी अब्बास अल्लाह ने कहा है वो दिन कयामत का दिन, तो कयामत के दिन का एक नाम अब्बास भी है, एक लफ्ज़ के बहुत से मानी होते हैं। और कयामत का दिन शेर की तरह खौफनाक है, और अब्बास शेर भी है भाई, जिस जहाँ डर लगे तो वहाँ शेर ही तो होगा, तो कयामत में क्या शेर निकल आएगा, नहीं, कयामत में भी ये मंजर हम देखेंगे और ये बहुत ही पुर असर मंजर होगा और बड़ा खूबसूरत मंजर होगा कि जब मैशर के मैदान में अंबिया की आमद शुरू हो, क्या कहना हूँ नाम होगा कि जो मवद्दत वाली आमदें होंगी वो हर नबी की सवारी देगी, हर नबी के हमने नाम सुने वहाँ जानते होंगी, फिर इसके पुकारे के अब आदम आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं, नाकिम आ रहे हैं, अब मूसा आ रहे हैं, ईसा आ रहे हैं, दाऊद आ रहे हैं, सुलेमान आ रहे हैं, शोएब आ रहे हैं, अलैहि आ रहे हैं, यह आ रहे हैं, तो इस तरह पैगंबरों की सवारियाँ आई और सब सरकार दो आलम की खिदमत में आई, तो वो सवारी की शान जो होगी वो देखने वाली। तो जब 1,24,000 अंबिया आ चुकेंगे तो मासूम ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे आखिर में सूरत हाल ये होगी कि जब सारे औलिया औसिया और अंबिया आ चुकेंगे उसके बावजूद महशर के मैदान में एक ऐसा सन्नाटा होगा कि लोग मुड़ मुड़ के एक तरफ देखेंगे कि वहाँ का इंतमाम जो होगा
वो ऐसा होगा कि बार बार उधर नजर उठेगी और इससे ही अंदाजा होगा कि अभी कोई सवारी बाकी है, अभी कोई सवारी बाकी है और कोई मेहमान खास आने वाला, कोई मेहमान खास। तो इमाम ने फरमाया कि जब वो सवारी बरामद होगी तो सफेद रंग का एक घोड़ा जो मिसले नूर सफर करेगा और उस पर जो सवार होगा उसका लिबास भी सफेद और उसके चेहरे से नूर साजे होगा और वो घोड़ा इस तरह आएगा जैसे अर्श पर आसमान के बादल सफेद सफर, यानी घोड़े के कदम जो होंगे वो हवा होगी और जैसे जैसे वो बरामद होकर उसकी सवारी करीब आती जाएगी सफ़े अंबिया की तरफ, यानी आने वाला सफ़े अंबिया में आ रहा है, समझ रहे हैं ना, सफ़े अंबिया में आ रहा है। तो इमाम फरमाते हैं कि उस पर तमाम अंबिया एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देखें और इमाम फरमाते हैं कि एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई सब तो आ गए, आदम भी आ गए, नूह भी आ गए, इब्राहिम भी आ गए, सब एक दूसरे से पूछेंगे, मूसा भी आ गए, हाँ दाऊद सुलेमान भी आ गए, एक एक नबी को कह दिया सब, ये कौन सा नबी है जो इतने एहतमाम से लाया जा रहा है, लिया ये जब इस्तेमाल करेंगे ये कौन सा नबी है, तो ऐसे में मनाली पुकारेगा ये नबी नहीं है, ये आने वाला नबी नहीं है, ये हुसैन का आलमदार अब्बास है। इसे कहते हैं रिंता। इमाम ने फरमाया हर नबी आदम से लेकर ईसा तक ये रिंता करेगा अब्बास को देखकर, काश हम भी अब्बास। अब्बास की आमद मैशर में ऐसी, मेरे भाई ने पूछा कि विलादत होती है जहूर, भाई मैशर की रवायत इमाम बता रहे हैं, ये बताओ कि अगर विलादत होती तो क्या इस तरह मैशर में जहूर, इंसानी ने सबसे कीमती चीज क्या होती है, सबसे कीमती चीज हाथ होते हैं भाई, हाथ ना हो कुछ नहीं होता, इसलिए महावरा मशहूर ने हम क्या करें, ये काम हम भी करते हमारे तो हाथ क्या बात भाई, हम ये कैसे आपका काम करें, हमारे तो हाथ कट बहुत ज्यादा तो पैर, लेकिन पहले महावरा इस्तेमाल होता हाथ, तो हाथ कट जाने का मतलब क्या होता, यानी हम किसी काम के करने से माजूर हो गए हालांकि हाथ में, आप समझे आप भाई, भी माने जमाने ने कहा कि शरीयत मौतल हो गई तो अब किया क्या जाता, शरीयत के तो हाथ कट गए, तो अब जरूरी ये है कि उस शरीयत को उस तौहीद को इतना बलंद किया जाए कि उसके ऊपर कोई चीज बलन ना हो, और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कीमती जुमला आज की तकरीर में नहीं कह सकता कि शहजादी कौन है इनके हाथों से बलन, मेरी नज़र में कायनात में कुछ नहीं है, उन बलन तरीन हाथों पर अब्बास के हाथ बलन, यही
काम कैसे होगा? काम तो कभी होएगा नहीं, उसका तो काम चलते ही रहेगा, फिर उनकी आबाद होगी, फिर आदम आएगा, फिर ये होगा, फिर मासूमी आएंगे। ये तो बहुत लंबा चौड़ा वो है, तीसरे है बुरा अशरा, मैं इस पर पढ़ चुका हूँ, कुछ शिकन और कुछ प्रकाश के नाम से इतफाक से दो या तीन किताबें भारतीय गेट पर मौजूद हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं वो तारीखी अशरा है जिसमें मैंने बताया कि आदम से पहले क्या था, आदम से पहले क्या था, आदम से पहले क्या था, यानी जितनी दुनियाएँ आबाद हुई सारी मैंने तौरात इंजील कुरान और मासूमी से बताई कि इससे पहले पहले क्या आबादियाँ थी और बुत परस्ती कैसे शुरू हुई और बुत कैसे तराशे गए और अब तक बुत तराशे जा रहे हैं और बाद रसूल कितने बुत तराशे गए, सनन्या कुरैश की दुआ क्या, ये सब आपको उस अशरे में मिल जाएगा। वैसे नेट पर भी पूरा अशरा है, आप किताब भी ले सकते हैं, किताब देख के उसे सुन भी सकते हैं। और भी वैसे मेरे अशरे जो कि अभी 25 के करीब छपे हैं, अली वाली से अम्बिया तफी इसी तरह इंसान और हैवान तमाम जानवरों का मैंने मुआवजा इंसान से किया है कुरान से, आप उसमें देख सकते हैं मोर पे तकदीर है, हरन पे तकदीर है, बंदर पे तकदीर है, कौवे पे तकदीर है, घोड़े पे तकदीर है, गाय पे तकदीर है, हिरन पे तकदीर है और उन जानवरों पे तकदीर है जो जन्नत में जाएंगे। आपकी 10वीं तकदीर ये है कि वो कौन कौन से जानवर हैं जो अल्लाह कहता है कि जन्नत में जाएंगे, उसमें साबिक है तो कुत्ता भी। क्या बात है, सच्चे वो अशरा भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा इन जिंदगी एक मैंने अशरा पढ़ा था वो भी छप गया है, इसी तरह इस्लाम पर हजरत अली के एहसानात वो भी छप गया है, अजमत अबू तालिब 10 तकरीरें हजरत अबू तालिब की अजमत पर की थी वो भी अशरा छप गया था। ये दोनों 100 रुपये की किताबें हैं और बहुत सस्ती, श्री गली एयरपोर्ट पर मैंने रुक के किताब खरीदी जनाबे खदीजा के सुनहरे वाक़या, पहले सुंदर की लिखी तो मैंने कहा मैं कितने की, उन्होंने कहा 1200 की किताब 1200 की मैंने पढ़ी है, तो पहले सुंदर हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, हम तो भैया 200 की लिखी वो ज़्यादा अमीर है होगी मैं ज़्यादा लगते हैं होगी तो चंद किताबें अगर किसी ऐसे के हाथ में पहुँच जाए जो कदर दान हो बहुत ही खुशी होगी। और पढ़कर अगर आप हमें बताएंगे कि भाई हमने आपकी सुनी तो नहीं भी पढ़ ली और अगर सुनना चाहें तो सारे अशरे जो छपे हैं वो लिख पर भी हैं, तो आखिरी जुमला मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा था कि जो मैं अशरे की तरफ निकल गया और वो खुदराश और खुद परस की तरफ निकल गया, तो उसमें से मैंने जुमला लिया था कि भाई सफ़र का इख्तिताम नहीं है, दुनिया बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी, कयामतें आती रहेंगी, अंबिया आते रहेंगे, मासूमीन आते रहेंगे। पांचवें मामले फरमाया कि अल्लाह फिर इस दुनिया को कयामत के बाद फिर आबाद और फिर आबाद करेगा और फिर आबाद करेगा, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, यानी तौहीद कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन ये वाली दुनिया जिसका इख्तिताम महशर में और कयामत का नाम है, उसका इख्तिताम किस बात पर होगा? इख्तिताम जो हो रहा है उस सफर का अब्बास के जिक्र पे, इसके माने हम सिर्फ जश्न ही मना रहे हैं, यानी अल्लाह भी ये चाहेगा कि महशर के मैदान में आखिरी जश्न यौम अब्बास, और इससे बड़ा जुमला बाप बता दीजिए मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जब हम जश्न मनाते हैं तो माशाल्लाह सारे जो मुल्तान के खास खास लोग होते हैं वो सारे जश्न में आते हैं, हर खानदान का सरबरा और अपने अपने खानदान के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी शिरकत करते हैं, मेहमान खुसूसी भी होते हैं, सदर भी होता है, सब कुछ होता है, सिदारत इमाम जमाना को लेकर जगह खाली रखते हैं और इस तरह हम यौम अब्बास मना रहे हैं। तो आप ये बताइए कि क्या ये जश्न सिर्फ एक जगह हो रहा है, जगह भी होता है, यानी जिन जिन को अब्बास से मोहब्बत है वहाँ वहाँ ये जश्न हर मुल्क में, हर शहर में, ईरान में, इराक में तमाम हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के तमाम शहरों में, हिंदुस्तान के तमाम शहरों में, इराक के तमाम शहरों में, जहाँ जहाँ अब्बास के चाहने वाले हैं, खुद रोज़ा अब्बास आज जो है पैनूर बना हुआ है, रोज़ा अब्बास सजा हुआ है, इस वक्त वहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है, नजफ़ में लोग
मौला जी को मुबारकबाद के लिए जाते हैं, सुबह को चलते हैं, शाम को पहुँचते हैं, बेटे की मुबारकबाद जाते हैं। कुछ लोग मजमा करते हैं इमाम हुसैन को मुबारकबाद देने जाते हैं, कुछ लोग जनाब जन्नत के पास शाम में मुबारकबाद अरब में वो रसूल अल्लाह के पास जाते हैं मुबारकबाद देने के लिए। तो नजफ में, मदीने में, मक्के में, हर जगह अब्बास की मुबारकबाद हो रही है। ये मुबारकबाद कितनी बड़ी होगी जरा आप गौर कीजिए, जिस दिन अल्लाह सबको मुबारकबाद देगा और मेहमान खुसूसी कौन होंगे, रसूल अल्लाह जनाब फातिमा मौला अली। इतना बड़ा ममदू है, इतना अजीम ममदू है, और इसलिए मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि ना रसूल है, ना नबी है, ना इमाम है, और तो और कुछ लोगों के मासूम भी नहीं। हमारा अकीदा है वो मासूम है, और अगर वो रसूल नहीं है, नबी नहीं है, इमाम नहीं है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो वली है। वली तो अपने बाप से विलायत भी मिली, विलायत का तकादा ये है कि का इंतजाम विलायत कभी खत्म ना हो। और ये कितना बड़ा इंतजाम है कि मम्लिकत हुसैनी को देख रहा है, और ये कितना बड़ा क्रेडिट है कि मुल्क हुसैन का है मगर परचम अब्बास। जैसे जिंदगी में तमाम चीजें सिपुर्द थी, आज भी वो सारे काम अब्बास के सिपुर्द हैं। और वो यही है कि पानी और खाने का इंतजाम अब्बास के सिपुर्द था। किसके लिए अहले बैत? पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, उस पर भी अब्बास के सिपुर्द था, और आज भी। इसीलिए देखिए जब हम किसी इमाम की न्याज जाते कहते नजर इमाम है, लेकिन जब अब्बास की होती तो नजर नहीं कहते, हाजरी। हाजरी सिर्फ अब्बास की, और सबकी न्याज और नजर यहाँ लफ्ज हाजरी। ये सब अकल वाली बातें हैं, ये अकल से दूर नहीं, क्योंकि ये तौहीद का सफर है, तौहीद का सफर है। और फिर सबसे बढ़ के मंजिकत हुसैन का इंतजाम इस तरह से कुल है कि हदीस मासूम ये है कि इधर कारमा चला जाए हुसैन का काफिला चला, और उधर हुसैन ने कहा अब्बास मेरे जाए, और कहते हैं अब्बास मैं परचम के अपने घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ साथ चल, और जायरीन को साथ खैरियत के दरे हुसैन तक पहुंचाते हैं। ये खिदमत अब तक अब्बास के साथ है, और पूरी हस्तियां तो ऐसी हैं बाबा कि हर मुसीबत में दो ही नाम याद आते हैं, या हम कहते हैं या अली, या हम कहते हैं या अली। लेकिन नाराज ना हो जाइएगा कि अलम जो है वो अल्लाह ने उतारा और शीश के लिए उतरा आलम के बेटे के लिए, और शीश से अनूस को मिला और फिर अर्शद को मिला और फिर उनके बेटे को मिला और फिर नमक को मिला, फिर अनूस को मिला, फिर उनके बेटे शाम को मिला, फिर तारुक को मिला, फिर इब्राहिम को मिला, फिर इस्माइल को मिला, बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक आया कुसई को मिला। कुसई से वो आलम जो था बुलंद हुआ, मक्के को फतह किया कुसई ने, तो आलम मशहूर हो गया कुसई का आलम। और कुसई से फिर जो वो आलम है अपने मनाफ को मिला, अपने मनाफ से हाशिम को मिला, हाशिम से अबू तालिब को भी अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल मुत्तलिब से अबू तालिब को मिला, अबू तालिब ने वो अलम मोहम्मद के सिपुर्द कर दिया, अब वो अलम मोहम्मद के हाथ में था। तो ऐसे नहीं दे दिया किसी को, बल्कि ऐलान किया कल अलम देंगे। अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, देखिए आ गई ना तौहीद। तो अब अलम किसका हो गया? अली का। शादी जी ने अली को अलम मिल गया, अब अली के पास अलम है, फिर हुनैन में भी अली के पास अलम है, फिर जमल में भी, सिफीन में भी, नहरवान में भी, पर नहरवान के अली के अलम पर सफर खत्म हो गया।
इसलिए कि तह करके रख दिया गया। अब उसके बाद वो अलम खुला ही। अब जब सनी हिजरी में वो अलम खुला तो बराह राज बिला फस्त अली के बाद अब्बास को मिला। और मुझे कहने दीजिए कि शीश से लेकर नहरवान तक अलम अली का था, लेकिन करबला से लेकर कयामत तक अलम अब अब्बास। और अलम जाफर ने भी उठाया और हमजा ने भी, रसूल ने उठाया था, जब भी उठा के अली को दिया रसूल ने भी अलम उठाया। और मैशर में लेवाए हम भी रसूल अल्लाह के पास होगा और फिर मौला अली को अता करेंगे लेवाए हम, तो अलम जो है वो इसी घराने का हो गया। लेकिन अब अलम अब्बास का है, ना हमजा का पुकारा जाता है जाफर का। और हमजा ने वज में अलम उठाया, इंशाल्लाह जिक्र करेंगे मदानी साहब के घर के ऊपर परसों जो कह दो मजलिस है, तो वहाँ पूरी तकरीर उनकी फरमाइश के जनाब हमजा पर हो, तो वहाँ पर हमजा की अलमदारी का जिक्र करूँगा क्योंकि हमजा का जिक्र है। लेकिन अब तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ, कल हजरत अली अकबर पर तकरीर है और उसके बाद फिर फरमाइश वली साहब की है कि 7 तारीख को हजरत अब्बास पहली तकरीर हो मजलिस की मजलिस है, लेकिन उसमें मैं हजरत कासिम का भी जिक्र करूँगा। हो सकता है हजरत कासिम की एक फिल्म भी मैं पढ़ूँ, इसलिए 7 शाबान हजरत कासिम की विलादत का दिन है, ज़ुहूर का दिन है, अमल अमल है, तो इसलिए उनका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। और आपके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सलामत करके तमाम यकीन रात वाले जाने वाले खुशियाँ देखने बजाय मोहम्मद और आल मोहम्मद बदेरी सादात के लिए खूस दुआ है। भाई हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले भाई हैं, उनके लिए खूस दुआ अल्लाह और आगे करीना मोहम्मद और आल मोहम्मद पास में। और हम दुआ करते हैं तमाम खातिन और बच्चों और जवानों के लिए कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी में कामयाब करे, आने ज़माना का दुरूद फरमा, तालीम फरमा, 3 बार गलत आवाज़ से दुरूद पढ़ के एक दूसरे के गले से लिपट के, और आप हज़रत अब्बास की विलादत की मुबारकबाद।